टीकमगढ़ में बीजेपी के नेता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि टीआई ने पैसे लेकर झूठा हरिजन एक्ट लगाया है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि टीआई ने पैसे ऊपर देने की भी बात कही है, जिसके बाद पूरे पुलिस सिस्टम पर अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता डॉक्टर शिशुपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोहनगढ़ टीआई आरपी चौधरी ने पैसे लेकर रामगोपाल यादव पर हरिजन एक्ट लगा दिया। उन्होंने बताया कि गांव के ही सौरभ और रामगोपाल यादव पर पैसे लेकर झूठे हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जब टीआई आरपी चौधरी से 40,000 लेकर झूठा हरिजन एक्ट लगाने की बात कही गई तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। टीआई चौधरी ने जवाब में कहा कि मुझे हर महीने 50,000 एसपी और डीआईजी को भेजना पड़ता है, जो मैं अपने वेतन से नहीं दूंगा, ऐसे ही काम करूंगा, जिसको लेकर डॉक्टर शिशुपाल ने जांच की मांग की है। उधर पीड़ित का कहना है कि एक तरफ माफिया है तो दूसरी ओर पुलिस, आखिर वे कहां जाएं? जिस तरह उन पर एससी एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है उससे वे परेशान हो चुके हैं। पीड़ित ने बताया कि मामले के वक्त वो घटना स्थल पर थे ही नहीं, फिर भी उस पर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला ये है कि टीआई साहब महोदय जी ने हमको फोन लगाया अरविंद चौधरी में सुबह सुबह, बोले वो ट्रैक्टर की लोकेशन में ट्रैक्टर पकड़ना है, तो जो जहाँ पर उत्खनन हो रहा था तो हमारे मौसी के लड़के को मैंने फोन लगाया तो उसने बताया कि खातून घाट पर हो रहा था। हमने ट्रैक्टर पकड़ा दिया और टीआई साहब ने वो ट्रैक्टर पकड़ के थाने रख लिया और आश्वासन दिया कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली ने कोई कार्रवाई की और ट्रैक्टर को 45,000 रुपये में छोड़ दिया। इसके बाद हमने ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की तो श्रीमान जी ने हमारे ऊपर एससी एक्ट का मामला दर्ज कर दिया और जिस दिन एससी एक्ट का मामला हुआ उस दिन हम यहाँ पर थे ही नहीं, हम तो सागर में थे, हमारे पास होटल के बिल वगैरह सब कुछ है और एक तरफ पुलिस वाले खड़े एक तरफ माफिया वाले खड़े। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किससे शरण मांगे? इसमें पूरा एसपी साहब को सब नॉलेज है, सब जानकारी है, इसमें एसपी साहब का हाथ है, इसलिए अभी तक टीआई साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई दी है। कहाँ करें, कहाँ जाएं? ना एसपी सुन रहा, ना एसडीओ भी सुन रहा, कोई सुनने वाला है नहीं, किस क्या करें फिर? गुमराह कर रहे हो टीआई साहब, एक तरफ पुलिस है माफिया, हम बीच में फंस के रह गए और पुलिस ऐसा विश्वास कोई नहीं करेगा, पब्लिक ना जनता करेगी ना कोई पुलिस पर भरोसा नहीं करेगा, तो पहले बुला लेते हैं, अपना बनाते हैं और फिर लात मार देते हैं। इन दोनों लोगों के ऊपर 20 फरवरी को अपराध क्रमांक 41/2021 में फर्जी 323, 506 और हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया है, जबकि अपराधियों को पता ही नहीं था कि हमने कोई अपराध किया भी है कि नहीं किया। जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ इस तरह के अपराध कायम हो गए तब उन लोगों को पता चला कि हम पर अपराध कायम हो गया है। तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक तरीके से जिला प्रमुख पुलिस के पास आए हुए हैं कि भाई इसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए और जिस अधिकारी ने इस तरह किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और लोगों को न्याय मिलना। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस तरह का अपराध कायम हुआ है आपके थाने, बोले हाँ मेरे यहाँ इस तरह का अपराध कायम हुआ है, तो मैंने कहा अपराधियों को तो पता भी नहीं कि हमने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है, बोले मैंने जांच कर ली और मैंने अपराध कायम किया। मैंने सुनने में ये भी आया है कि आपने जो है 40,000 रुपये लेकर के मुकदमा लिखा है, तो बोले हाँ मैंने पैसा लिया है, मुकदमा लिखा है, बोले हर महीने 50,000 एसपी को देता हूँ, ठीक है, 50,000 आईजी सागर को देता हूँ, तो मैं अपनी वेतन से नहीं दे सकता हूँ, पैसा भी लेता हूँ मुकदमा भी लिखता हूँ, आप जांच करवा लेना, अगर मैं गलत हूँगा तो उसकी जांच में आ जाएगा। पुलिस की इस व्यवस्था और टीआई के जवाब ने पुलिस कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, साथ ही हरिजन एक्ट सहित कई मामलों में पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पैसे लेकर किसी पर झूठा केस बनाना कितना उचित है ये तो अब पुलिस सिस्टम ही बता पाएगा। क्या हरिजन एक्ट का दुरुपयोग कर पैसा वसूलने में किया जाएगा? ये अभी आपके सामने डॉक्टर शिशुपाल के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो थाना मोहनगढ़ का एक मामला है उसके बारे में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें थाना मोहनगढ़ द्वारा जो की गई कार्रवाई है उसमें इनका कहना है कि झूठा प्रकरण बनाया गया है जी आरोपी गणों के खिलाफ में, उसकी जाँच के लिए जो है पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जो है एसडीओपी टीकम के द्वारा इसकी निष्पक्ष जाँच कराने का लिख किया गया है जी सर। तो जांच उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई होगी हम उसमें करेंगे, बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।